हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जे ऑटो विश एंड शॉप जे ऑटो कोरबा। सो भाई आज भी यहाँ पे आपके लिखे XUV700 जिसके अंदर एक बेसिक और एक नीडेड मॉडिफिकेशन की जाएगी। MX वेरिएंट हमारा कंप्लीट बेस। तो भाई इसके अंदर बता दूं क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले आगे से देखिए भाई, फॉग लाइट इंस्टॉल की गई है जिसके अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है LED का, लगवाना हो तो लगवा सकते हैं। बाकी फिटमेंट वगैरह सब कुछ जेन्युइन होने वाला है इसका। सेकेंडरी बात क्या, हेडलाइट के अंदर भी यहाँ पे LED अपग्रेड के 2 पेयर। तो भाई क्वालिटी लाइट इसकी अच्छी होने वाली है। बाकी अगर आपको टॉप मॉडल LED हेडलाइट चाहिए तो भाई वो मिल जाएगी कंप्लीट, जिसके अंदर DIL आपको मिल जाती है जो कि आपके जेन्युइन महिंद्रा की होने वाली है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई साइड प्रोफाइल में ऊपर की तरफ यहाँ पे लोअर गार्निश आपको देखने को मिल जाती है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको डोर वैसे देखने को मिल जाएंगे जिसके ऊपर यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। क्वालिटी चेक आउट हो सकते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है और फिटमेंट भी ऐसे कि भाई निकलेगी नहीं, चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए। बाकी जो लोअर गार्निश है भी प्रॉपर तरीके से फिटमेंट की जाती है, क्वालिटी आपकी इसकी भी अच्छी खासी मिलती है। बाकी अगर आपको नीचे फुटरेस्ट चाहिए फुटरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, अलॉय चाहिए अलॉय का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, अगर मिरर के अंदर अपग्रेडेशन चाहिए मिरर के अंदर अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। बाकी अगर मैं बैक की बात करूँ तो भाई बैक के अंदर यहाँ पे रिफ्लेक्टर इंस्टॉल किया गया, देख सकते हो कुछ तरीके से आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी आपको वेलकम फीचर, इंडिकेटर फीचर, ब्रेक फीचर देखने को मिल जाएगा। बाकी जो काम है अंदर से, तो भाई अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ अंदर क्या हो रहा है। तो भाई अंदर की बात किया तो भाई अंदर देख सकते हैं, सबसे पहले स्टीयरिंग के ऊपर हमारी स्टीयरिंग रैप नहीं हुआ, बट स्टीयरिंग रैप होने वाला है। स्टीयरिंग कंट्रोल लग चुका है, हमारे कंट्रोल लग चुका है, जिसके भाई ऊपर आपको मिली क्रोम की फिनिशिंग जो कि जेन महिंद्रा की रहती है। भाई सारे स्विचेस भी जेन महिंद्रा की है, प्रॉपर ग्लॉसी ब्लैक आपको मिल जाएंगे और फिटमेंट जो वो भी आपको कपड़े टू कपड़े यहाँ पे मिल रही है। इसके साथ अगर बात की तो भाई यहाँ पे जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था, एक स्क्रीन लगाई थी हमने XUV700 के अंदर जो प्रॉपर बड़ी स्क्रीन थी, फ्रेम के साथ आया था भाई, उसकी फिटमेंट आपने देखी थी, वर्किंग देख रही, वर्किंग भी अच्छी थी। और भाई जो मेन होता है ना कि भाई MX मॉडल को चाहिए होता है, MX के अंदर जो भाई लगे कि हाँ भाई बढ़िया चीज है, तो वो यहाँ पे आप लगवा सकते हैं। बाकी ऊपर का देखिए, ये आपको पूरी प्लेट ग्लॉसी मिल गई है। डोर के ऊपर यहाँ पे सॉफ्ट टच होने गया जो कि भाई प्रॉपर तरीके से होगा, क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। साथ ही साथ भाई सीट कवर भी यहाँ पे अपग्रेड कर दिए गए आपके लिए। देखिए ये कुछ सीट कवर है लग्जरियस लाइन वाले, फिटमेंट आपके अच्छे, क्वालिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ भाई इसके अंदर आपको अलग अलग डिफरेंट कलर्स मिल जाते, डिजाइन मिल जाते हैं अगर आप कस्टमाइजेशन के अंदर जाते हैं तो। बाकी भाई अगर अभी आमरेस लगने जा रहा है, आमरेस लगेगा उसमें सॉफ्ट टच किया जाएगा। और तो और भाई इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे AC वेंट के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, AC वेंट अपग्रेड करवाने के, जो कि कंप्लीट टॉप मॉडल लुक देता है। उसी के साथ अगर बात करें तो भाई यहाँ पे और भी मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि अगर MLR लगवानी है MLR लग जाएगी, और भी उससे ऊपर कुछ जाना है जैसे कि भाई पूरा डैशबोर्ड चेंज करना, लेदर रैप हो जाएगा, पूरा इंटीरियर चेंज हो जाएगा, तो वो सब यहाँ पे हो जाता है। मेनली जो इस बार काम हो रहा है ना भाई, तो एक बेसिक नीड वाला काम है, जैसे सीट कवर हो गया, इंटीरियर हमारा हो गया, आर्मरेस्ट हो गया, सॉफ्ट टच हो गया, ये सब बाहर से रूफ आपका फॉग लाइट हो गया, पीछे रिफ्लेक्टर हो गया, साइड के अंदर हमारी लोअर गार्निश हो गई और डोर वाइजेस हो गए, तो ये सब यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी भाई सारा काम जो होता है भाई आपको यहाँ पे मिलेगा कपड़े टू कपड़े, जैसे लास्ट वीडियो में दिखाया था, वायरिंग जेन्युइन से भी बढ़िया वाली की जाती है और आपकी जो वायरिंग कंपनी से आती है वो बिल्कुल नहीं काटी जाती, सारी वायरिंग आपकी वैसी की वैसी रहती है। बाकी काम अभी चल ही रहा है, थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है, वो जैसे पूरा होता है मैं दिखा दूं किस तरीके से अपग्रेड किया और क्या क्या अपग्रेडेशन यहाँ पे हुई है। भाई फाइनली यहाँ पे सारा काम कम्प्लीट हो चुका है, जो हमारी XUV700 आई थी MX वेरिएंट कम्प्लीट रेडी हो चुकी है। और इसके अंदर सबसे पहले फ्रंट से बात करें तो भाई नीचे फॉग लाइट इंस्टॉल की गई है, साथ साथ हेडलाइट में 2 पेयर की LED लगाई गई है, जैसा कि बताई थी, रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिल जाता है। और अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई यहाँ पे लोअर गार्निश आपको देखने मिलती है, साथ साथ ऊपर की तरफ डोर वाइजर आपको देखने मिल जाएगा। बैक प्रोफाइल की बात करें फिर से बता दूं भाई, बैक प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे आपको देखिए पीछे रिफ्लेक्टर देखने मिल जाएगा। बाकी अंदर की तरफ तो भाई अंदर दिखाता हूं, अंदर जो मेन काम किया गया उसमें क्या काम हुआ है, किस तरीके से मॉडिफिकेशन की गई है। तो भाई अगर अंदर की बात करें तो भाई सबसे पहले स्टीयरिंग दिखाऊंगा, भाई जैसा दिखाया था पूरा प्लास्टिक वाला सीन था, ठीक है भाई, अब इसके ऊपर स्टीयरिंग रैप कर दिया गया जिसकी फिटमेंट तो आप देख सकते हैं, लुक भी बहुत ज्यादा यहाँ पे एनहांस की गई है, पूरे स्विच लगाया ग्लॉसी ब्लैक के अंदर, साथ साथ जिसके ऊपर यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग मिलती है जो कि आपका जेन्युइन आइटम होने वाला महिंद्रा का। स्विचेस MID दोनों यहाँ पे मिल गया, दोनों आपके वर्किंग मिल जाते हैं। साथ ही साथ भाई इसके अंदर देखिए जो हमारे डिजाइन किया है, मून डिजाइन, क्या प्यारा वर्क है भाई, बहुत प्यारा वर्क है, क्वालिटी में भाई एक नंबर है। फिटमेंट आपको प्रॉपर स्टार्टिंग से एच तक की मिलती है अंदर तक की, और भाई कहीं से कटा फटा सिस्टम नहीं है, पूरा अंदर फिक्स किया जाता है। साथ ही साथ बात की तो फिटमेंट वगैरह भाई टॉप नॉच रहने वाली है, इसकी स्टिचिंग आपकी अच्छी मिलेगी, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन यहाँ पे नहीं है, देख सकते हैं स्टिचिंग वगैरह सब कुछ टॉप क्लास रहने वाली है। सेकेंडरी बात की जाए हमारे डोर्स के अंदर, तो भाई डोर्स में देखिए यहाँ पे आपको लेदर रैपिंग देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ जो इनर हैंडल है हमारा रिप्लेस किया गया जेन्युइन महिंद्रा का, प्रॉपर क्रोम आइटम यहाँ पे आपको मिला है। और भाई ये आपका जेन्युइन महिंद्रा का, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, 100% गारंटी है इस चीजों की आपकी। बाकी बात की जाए भाई इसके अंदर हमने यहाँ पे सॉफ्टनेस वगैरह आपको देख सकते हैं, सॉफ्टनेस कितनी अच्छी है देखिए,
अच्छी लेदर रैपिंग के साथ सॉफ्टनेस मिलेगी, साथ साथ स्टिचिंग देखिए, डबल स्टिचिंग आपको देखने को मिलती है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन यहाँ पे नहीं होने वाला। पूरी स्विच प्लेट यहाँ पे चेंज की गई है जो कि आपकी जयंट महिंद्रा की है। अगर आपको स्विचेस चेंज करना है स्विचेस भी चेंज होंगे। अगर आपको मिरर वर्क करवाना है, वर्किंग मिरर चाहिए कि भाई फोल्ड आउट ऑफ फोल्ड, तो वो भी करवा सकते हो, स्विच भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन चेंज करने के लिए, ठीक है भाई। बाकी अगर बात की जाए इसके अंदर तो भाई स्विचेस तो बता ही दिए, तो वो स्विचेस भी आपको जनरल महिंद्रा के मिल जाएंगे। बाकी बात की जाए तो भाई फ्रंट में डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे लेदर रैप नहीं करवाया गया, बट ऊपर की ये देखिए जो हमारा फ्रेम है ये आपका पूरा ग्लॉसी ब्लैक किया गया, प्रॉपर ग्लॉसी ब्लैक फ्रेम मिल जाता है। इस साइड की बात करें इस साइड भी आपको सेम आइटम मिल रहा है, स्विचेस ग्लॉस ये फिर से बता दूं मिल जाएंगे महिंद्रा जेन्युइन। और जो सीट कवर है भाई, सीट कवर हमारे देख सकते हैं प्रॉपर आपको मिलेंगे लग्जरियस लाइन वाले, क्वालिटी आपकी टॉप नॉच है, फिटमेंट आपकी अच्छी है, कंफर्ट आपको अच्छा मिलता है। साथ ही साथ भाई इसके अंदर आपको डिजाइन कलर जैसे मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ, डिजाइन कलर जो चाहिए वो मिल जाएगा, कस्टमाइजेशन कंप्लीट ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाता है। बाकी अगर इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा अपग्रेड चाहिए जैसे कि भाई म्यूजिक सुनने का शौक है तो भाई एम्प लगवा सकते हैं, वूफर लगवा सकते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो जाएगा उससे। बाकी एसी वैन यहाँ पे अपग्रेड मिल जाते हैं आपको, एक दो और ये तीन, तीन सेट आपको मिलते हैं, ये भी आपके जयंट महिंद्रा के होते हैं। एंड बात की जाए वायरिंग वगैरह की, जो भी काम किया जाता है भाई सारी वायरिंग आपकी कपलर टू कपलर की जाती है। अब ऑप्शन बता दो, नीचे फ्लोरिंग अवेलेबल होती है, मैटिंग का ऑप्शन अवेलेबल रहता है, सीट का कस्टमाइजेशन का ऑप्शन रहता है, और भाई मेन चीज जो है स्क्रीन भाई, ये छोटी स्क्रीन हटा के बड़ी स्क्रीन का ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर लगवाना हो तो लगवा सकते हैं, वो भी आपको वापस मिल जाएगी जे ऑटो पे। और तो भाई अवेलेबिलिटी की तो भाई जितनी बात करो ना सब होने वाला है, जेन्युइन से लेके जेन्युइन, अगर आपको आफ्टर मार्केट कुछ चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा भाई, कोई कमी नहीं होने वाली यहाँ पे, जो जो चाहिए सब अवेलेबल होगा। बाकी काम यही कुछ हुआ है, अगर काम आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगे कि भाई जेन्युइन काम है, बढ़िया काम है, तो भाई एक लाइक दे देना, कमेंट करके बताना कि काम कैसे लगा। और अगर प्राइसिंग से रिलेटेड कोई बात करें तो भाई नीचे नंबर दे दिलीप भाई का, तो भाई वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, सारी प्राइसिंग मिल जाएगी, भाई लोकेशन चाहिए लोकेशन भी मिल जाएगी। वैसे लोकेशन की बात करें तो भाई करोल बाग आएंगे, करोल बाग में किसी से पूछेंगे जे ऑटो कहीं से भी तो भाई बता देंगे जे ऑटो कहाँ पे है। मेनली भाई आपका जो मेन रोड आएगा इस साइड से, वहां से मेन रोड आएगा डायरेक्ट आप अंदर आएंगे तो आपको कोने में मिल जाएगा जे ऑटो। एंड बात के नंबर तो नंबर नीचे लिखा 9711778551, कॉन्टेक्ट कर लीजिए। बाकी वीडियो इतनी थी, वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक लिए टेक केयर।